अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर तले वाल्मीकि समाज ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लाइन पार में रामलीला मंचन के चलते रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि का चित्र मंच पर नहीं लगाया गया। इस बात को लेकर वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि रामलीला मैदान लाइन पार में कई वर्षों से रामलीला का मंचन किया जाता है, वहाँ की कमेटी के द्वारा रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि का चित्र मंच पर नहीं लगाया जाता और ना ही उनकी पूजा पद्धति की जाती है, जो निंदनीय है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी संपूर्ण संसार में रहने वाले लोगों की आस्था हैं और साथ ही प्रभु श्री राम की रामायण के जनक भी हैं। अगर भगवान वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते तो शायद आज प्रभु राम श्री राम जी को संसार में कोई नहीं पहचान पाता और ना ही पूरे विश्व में रामलीलाओं का मंचन होता। इसलिए वाल्मीकि समाज अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा यह मांग करता है कि लाइन पार रामलीला कमेटी से बातचीत करके उन्हें वाल्मीकि का चित्र मंच पर लगाकर उन्हें स्थान दें, नहीं तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर और आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में अभिषेक रत्नाकर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, हरिओम वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, जुगल किशोर, अनुज, आदित्य, राजू भारती, प्रमोद, सोनू, विजय वीर आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अभिषेक रत्नाकर है, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। किन लोगों को लेकर आप आज कनेक्टेड हैं? हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा और समाज के बुद्धिजीवी लोग लाइन पार में रामलीला मैदान में जो रामलीला का मंचन हो रहा है वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, अपना यह आग्रह लेते हुए कि रामलीला जो श्री राम जी के पूरे चरित्र पर आधारित है, उनके सूत्रधार रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी का चित्र वहाँ की रामलीला का मंच पर जो है लगाया जाए और भगवान वाल्मीकि जी के नाम से द्वार बनाया जाए, जैसा कि लाजपत नगर और दसवा घाट में होता है। लेकिन वहाँ की कमेटी जो है उसने साफ यह मना कर दिया इस बात का हवाला देते हुए कि हमारी जो कमेटी है वो कमेटी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती कि यहाँ पर किसी का चित्र लगाया जाए। हमने उनसे बात की कि भगवान वाल्मीकि जी तो रामायण के ही सूत्रधार हैं, वह तो रामायण का ही अंग है, तो उन्होंने कहा उनकी भी चित्र लगाने की रामलीला कमेटी इजाज़त नहीं देती। इसी उपलक्ष में इसी बात को लेकर हम लोगों ने आज सभी समाज के सभी लोगों ने अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा और प्रकट उत्सव कमेटी भी यहाँ पर उपस्थित है, संगठन के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम सभी लोगों ने यह एक निवेदन के रूप में आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय जी से, जिला अधिकारी महोदय जी से ये निवेदन करते हुए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आप उनसे वार्ता करें और दशहरे से पहले भगवान वाल्मीकि जी का चित्र रामलीला मैदान में और भगवान वाल्मीकि जी का नाम से मुख्य द्वार पर किसी भी रूप में फ्लैक्सी के रूप में वहाँ पर द्वार बनाया जाए और केवल रामलीला मैदान ही नहीं, लाइन पार शहर में जहाँ जहाँ रामलीलाएं होती हैं वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी का चित्र और द्वार बनाया जाए। ये हमारी मांग है और अगर इस मांग को अगर वो लोग भी नहीं मानते हैं तो फिर संगठन और पूरा वाल्मीकि समाज धरने पर बैठने का काम करेगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।